hello dear learners welcome back to my channel i hope you all are doing well and you are preparing pretty well for the upcoming examination that is csir as well as dbt jrf so this is the day 11 of the free bt crash course and i hope you already have learned so many things so many insights of the dbt grf exam from the video day 1 to day 10 so stay tuned for rest of the videos and hit the like button if you find it useful and subscribe my channel if you want more content like this thank you so much for watching so in today's video we will discuss one very important topic that is the generation time because questions are very much frequently framed from this topic that is generation time so basically to study the generation time we should have a basic knowledge of microbiology that what exactly a growth is in microbiology terms so basically in microbiology growth refers to the increase in cell number it means the increase in number of cells is termed as growth in case of microbiology it means from one bacterial cell to new bacteria will grow and from that two bacteria two new bacteria will grow it means four bacteria and likewise so this is known as the growth and generally the microbial cells have a finite lifespan it means a cell will only continue to do its metabolic activity for a certain period of time and to continue its growth it is required that it must go through the reproduction phase and then on then only new cells will be arise इट मीन्स जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है एक डेफिनेट लाइफ स्पैन तक ही अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी को शो कर सकता है एंड एक सीमित समय तक ही वो अपना काम कर सकता है अपने मशीनरी चला सकता है उसके बाद में क्या होता है उसको अपना जो सेल है उसको डिवाइड करके अपना पॉपुलेशन अगर उसे मेंटेन रखना है तो क्या करना होगा उसे एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद में कंटिन्यूड ग्रोथ दिखाना होगा यानी नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना होगा सो जनरली अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड इंटू न्यू पॉपुलेशन आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम टू मेन्टेन इट्स पॉपुलेशन सो दिस इज नोन एज द ग्रोथ नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट सो इफ यू हैव टू लर्न दिनरेशन टाइम वी मस्ट नो द्रोथ जो हमने ऑलरेडी देख लिया कि ग्रोथ क्या होता है सो so बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि एक बैक्टीरिया क्या करता है सर्टन टाइम ड्यूरेशन के बाद में वो डिवाइड हो जाता है उसके बाद में क्या होता है वो अपना इस तरह से पॉपुलेशन कंटिन्यू रखता है यानी कि एक बैक्टीरिया आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम डिवाइडेड इन टू टू न्यू बैक्टीरिया एंड देन टू बैक्टीरिया कंटिन्यू टू ग्रो सर्टन न्यू बैक्टीरिया सो इस तरह से क्या होता है जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहता है पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए सो द टाइम टेकन For the bacteria to divide into new population is known as generation time. It means when one cell eventually separates to form two cells, then one generation has occurred. This is the one generation that this cell is divided into two new cells, and this is the first generation. So the time taken to complete that process is known as generation time. Simple language. तो एक बैक्टीरियल सेल जब डिवाइड होके दो बैक्टीरियल सेल में चेंज होता है तो टाइम जितना लगता है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में दैट इज़ नोन एज द जनरेशन टाइम वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट ड्यूरिंग वन जनरेशन इट मीन्स कि जब ये वाला सेल डिवाइड हो रहा होगा दो सेल में तो जो रेस्ट ऑफ द सेल्युलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सेल्युलर कॉम्पोनेंट्स हैं लाइक द प्रोटीन द कार्बोहाइड्रेट द न्यूक्लिक एसिड ऑल विल इंक्रीज प्रपोर्शनली एंड दस दिस सेल विल बी सेट टू बी इन अ बैलेंस्ड ग्रोथ यानी कि जब भी सेल डिवाइड होता है एक सेल दो सेल में ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है तो इस प्रोसेस में क्या होगा जितने भी सेल्युलर कॉन्स्टिट्यट हैं वो भी प्रपोर्शनली डिवाइड होंगे दो सेल में ऐसा नहीं कि इस सेल में ज्यादा जाएगा इस सेल में ज्यादा जाएगा इट विल भी एन इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्युलर कॉम्पोनेंट एंड ईच डॉटर सेल विल रिसीव अ क्रोमोजोम And sufficient copy of ribosome and all other macromolecular complexes, monomers, इन ऑर्गेनिक आयन टू एक्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट सेल अब ये जैसे मदर सेल है मदर सेल से दो न्यू सेल बने जैसे हम डॉटर सेल कहते हैं सो डॉटर सेल अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर पाए इंडिपेंडेंटली वो रेप्लीकेट कर पाए न्यू सेल्स अराइज हो पाए उनसे तो उनके लिए सर्टेन जो रिक्वायरमेंट्स होती है सेल की लाइक राइबोजोम द प्रोटीन फैक्ट्री एंड अदर माइक्रोमोलिक्यूल जैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो मदर सेल से ही कॉपी होता है ताकि दे कंटिन्यू दियर मेटाबॉलिक मशीनरी एंड दे कंटिन्यू टू लीव इंडिपेंडेंटली सो ये होता है एक ग्रोथ के टाइम पे नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ अ जनरेशन टाइम ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया सो बेसिकली इट इज हाईली वेरिएबल And it depends on species to species. So basically, if we talk about the generation period, it depends on three different factors: that is, the nutritional requirement, the genetic factors, and the temperature. These three factors determine the duration of the generation time. Whether it will be for a shorter time duration or for a longer time duration. It means the nutrient supply de rahe hai, bacteria ko grow hone ke liye If it is an optimal कंडीशन अगर होगी ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट बैलेंस होगा पूरा तो इट विल ग्रो फास्टर अगर न्यूट्रिएंट डिप्राइव आपने किया है इट विल नॉट ग्रो फास्टर एंड द जनरेशन टाइम विल बी लॉन्गर अपार्ट फ्रॉम दैट द जेनेटिक फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड द एम्बियन टेम्परेचर इज रिक्वायर टू इनक्रीज द पॉपुलेशन साइज सो ऑल थ्री फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल दैट हाउ मच टाइम विल बी देयर इन दिनरेशन पीरियड एंड हाउ द बैक्टीरिया will grow and also how much time it will take to replicate into two new cells so one question is frequently asked from this topic that is the generation time of e coli this bacteria so if we meet all the nutritional requirement all the nutritional condition of this bacteria so the generation time for 1 e coli to divide into जो न्यू ई इज अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी मिनट्स सो ये आपको याद रखना है कि ईकोलाई e. का एट ऑप्टिमम कंडीशन जो जनरेशन टाइम है वो होता है ट्वेंटी मिनट्स अब ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वेरी करता है किसी का जनरेशन टाइम इससे भी कम होता है और किसी का जनरेशन टाइम इससे भी ज्यादा होता है सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स विच आई हैव ऑलरेडी मैंशनड now the most important part the mathematical expression of growth because the questions are directly framed from this topic from this formula so during the generation time means when a bacteria divide into two new bacteria the total cell number will also increase and the mass will also be doubled so learn this formula because this is so much important because

एन इज़ दी फाइनल सेल नंबर एंड एन नॉट इज द इनिशियल सेल नंबर एंड एन इज द नंबर ऑफ जनरेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेट मी एक्सप्लेन वन वो टाइम कि ये जो फॉर्मूला है एन इज इक्वल्स टू एन नॉट टू टू दार एन तो ये जो फॉर्मूला है वो ये रिलेशनशिप बताता है हमें कि अगर सपोज आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ सेल है और उसके बाद अगर ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इट मीन्स इट विल डिवाइड रैपिडली एंड आफ्टर अ टाइम टी आई विल आस्क यू दैट हाउ मैनी बैक्टर पॉपुलेशन इज देयर सो हाउ यू विल आंसर यू विल आंसर बाई अप्लाइंग दिस रिलेशनशिप यानी एक्स सेल्स आपके पास थी इनिशियली इट मीन्स एन एन नाट एंड मैं आपको पूछ रही हूँ एक सर्टन टाइम ड्यूरेशन के बाद इट मीन्स एन टी दैट इज फाइनल सेल नंबर आफ्टर अ डेफिनेट टाइम पीरियड एंड जो ये सेल्स थी वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई थी तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला एन इज़ इक्वल्स टू एन नॉट इन टू 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 पार एन एन इज़ दी फाइनल सेल नंबर एन नॉट इज़ द इनिशियल सेल नंबर एंड एन इज़ द नंबर ऑफ जनरेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना फाइनल सेल नंबर होगा अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि इतना इनिशियल सेल नंबर है और इतने जनरेशन वो एक्सपोरेंशियल ग्रोथ में शो किया है देन कैलकुलेट द फाइनल सेल नंबर देन यू विल अप्लाई दिस फार्मूला एंड प्लीज ट्रस्ट मी दिस क्वेश्चन इज वेरी मच आज इन द गेट एज वेल एज दी एस आई आर ऑल्सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दिस रिलेशनशिप इज इम्पॉर्टेंट दिस इज आज एज इट इज आइदर इन द फॉर्मूला वर्जन क्वेश्चन और a mathematical calculation also the exponential growth is calculated by the formula that is 2 to the power n n is the number of generation and the third formula this is the second formula which is asked and the third formula is this one this is log n t minus log n naught upon log 2 is equals to n so basically n0 is the again the cell in population initially it means the initial number of bacterial cell and nt stands for the cell in population after a certain time period that is t so this will give you the number of generations so this is also asked we will see the question related from this topic only now the next relationship is once the growth rate is constant it means no new bacterial cell is appearing it means growth rate is constant so the generation time can also be calculated please remember here that generation time is also known as doubling time because one bacterial cell divide into two new bacterial cells so this is also known as the doubling time and if the growth rate is constant then this generation time can also be calculated as this formula that is g is equals to 1 upon k

ियल सेल आफ्टर टाइम टी एंड एन नॉट इज दैक्टीरियल पॉपुलेशन इनिशियल बैक्टीरियल पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द लॉग फेज यू कैन सी यर लॉक फेज में ही डिविजन रैपिडली होता है तो जो लॉक फेज जैसे ही शुरू होता है तो उस टाइम का जो सेल नंबर होता है उसे हम एन नॉट से डिटरमाइन करते हैं एंड एन टी इज आफ्टर अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन एन टी इज द टाइम इन मिनट्स सो दिस इज अगेन वन फॉर्मूला दिस इज द फिफ्थ फॉर्मूला सो ऑल दिस फार्मूलाज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन दिस जनरेशन पीरियड कॉन्सेप्ट दिज आर आस्ट एज इट इज इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला ओनली करेक्ट फार्मूला यू हैव टू मैंशन एंड ऑल्सो so many numericals are asked from these formulas so we have already studied that the generation time is the ratio of total time and the number of generation it means if we divide the total time by the number of generation we will get the generation time of the bacteria so now let's quickly solve some question this is the first question which says that in the growth equation n is equals to 3.3 log 10 एन माइनस लॉक टेन एन नॉट अपॉन पार एन सो बेसिकली एन स्टैंड फॉर वॉट इज एन हियर इज इज इट अ टोटल पॉप्युलेशन इज इट अ इनिशियल पॉप्युलेशन नंबर ऑफ जनरेशन और ग्रोथ कॉन्स्टेंट सो अभी हमने पढ़ा कि जो एन होता है इट डिनोट द नंबर ऑफ जनरेशन. सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज नंबर ऑफ जनरे सो लेट सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर टू which is very much easy which says that the generation time for e coli is 20 minutes 35 minutes 2 minutes or 13 minutes so we have already studied that under the optimum condition optimum condition of what nutrient requirements the generation time for e coli is 20 minutes only so the correct answer will be option number a that is 20 minutes during exponential phase growth rate is this is the question number three which we have already discussed the concept so during the exponential phase the growth rate is what is it same as the generation time is it the reciprocal of generation time time required for population to double or the rate of doubling population so basically exponential phase may growth rate is reciprocal of the generation time now this question number four

So the statement A says that it remains constant with time, it continuously increases with time, it continuously decreases with time, or it reaches a maximum in the exponential phase. And this is the answer, because you know that in batch culture, mein, batch reactor, jo hota, it is a closed type of reactor in which we start with the initial amount of fermentation medium and no more sub uh, nutrient is supplied in between.

एंड अगर आपने वो बायोप्रोसेस का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप ये आंसर नहीं कर पाएंगे सो गो एंड चेक इट आउट एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ वन मोर क्वेश्चन दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ टूडेज वीडियो द क्वेश्चन से इज दैट वॉट इज द जनरेशन टाइम इफ हंड्रेड बैक्टीरियल सेल्स ग्रोइंग लॉगरिद्मिकली फॉर फाइव आवर्स प्रोड्यूस्ड इतना सेल्स सो यू हैव टू कैलक्युलेट देशन टाइम एंड आपको दिया क्या है आपको दिया है एंड नॉट इट मीन्स इनिशियल सेल कंसनट्रेशन दिया है एंड एट आफ्टर अ अटन टाइम पीरियड टी आपको बैक्टीरियल पॉपुलेशन दिया है एंड आपको टाइम भी दिया है फाइव आवर्स सो यू हैव टू कैलकुलेट दैट वॉट विल बी दी जनरेशन टाइम इफ ये जो सौ बैक्टीरियल सेल हैं वो लॉगोरिथमिकली डिवाइड हो रही है फॉर हाउ मेनी आवर्स फॉर फाइव आवर्स और इतनी सेल्स बना रही है कितनी सेल्स वन पॉइंट सेवन इन टू टेंट सिक्स इतनी सेल बन रही है तो कितना जनरेशन टाइम होगा तो आपके पास एन जीरो है एन टी है और आपको निकालना एन है जनरेशन टाइम निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ फिट बैठेगा सो so बेसिकली जो फॉर्मूला यहाँ फिट बैठेगा वो है लॉग एन टी माइनस लॉग एन नॉट अपॉन लॉग टू बिकॉज यहाँ पे आफ्टर अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन बैक्टेरियल पॉपुलेशन दिया हुआ है दैट इज आपका एंटी कितना दिया हुआ आपको पहचानना होगा सबसे पहले तो कैसे पहचानते हैं कि एन टी कौन सा है एन जीरो कौन सा है बिकॉज हमेशा ये मैंशन नहीं रहेगा कि ये इनिशियल कंसेंट्रेशन है बिकॉज अब की क्लासेज में ये पहले से क्वेश्चन में मैंशन नहीं रहता है कि ये इनिशियल है ये फाइनल है यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑन इट ऑन योर ओन दैट अगर दिया है कि इफ हंड्रेड बैक्टीरियल सेल्स ग्रोइंग लॉगरिद्मिकली इट मीन्स कि इनिशियली कितने सेल्स थे हंड्रेड सेल्स थे एंड इट प्रोड्यूस इतना सेल्स आफ्टर अ लॉगरिथमिक ग्रोथ ऑफ फाइव आवर्स इट मीन्स बाद में इतने सेल्स हो जा रहे हैं वन पॉइंट सेवन इंट ट्वेंटी पार्ट सिक्स इट मींस कि ये फाइनल वाला होगा और इनिशियल हंड्रेड सेल तो एन जीरो एन नॉट कौन सा है हंड्रेड बैक्टीरियल सेल एन टी है ये टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है देन दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाइड दैट इज लॉग एन टी माइनस लॉग एन नॉट अपॉन लॉग टू आप डायरेक्टली इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो क्या होगा लॉग एंटी की जगह वन पॉइंट सेवन इंटू ट्वेंटी द पावर सिक्स एंड उसके बाद फिर लॉग एन नॉट दैट इज हंड्रेड अपॉन लॉग टू की वैल्यू उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं सो दिस इज द कैलकुलेशन लॉग वन पॉइंट सेवन इंटू ट्वेंटी द पावर सिक्स माइनस लॉग हंड्रेड एंड लॉग टू लॉग हंड्रेड टू होता है एंड लॉग टू इज जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन समथिंग तो आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा फोर्टीन जनरेशन आएगा फोर्टीन जनरेशन इन फाइव आवर्स एंड उसके बाद आप क्या करेंगे फोर्टीन जनरेशन आपका निकल गया आपको क्या बताना है आपको जो जनरेशन टाइम बताना है जी बताना है आपको जो हमने देखा था तो जी क्या था हम टाइम टेकन अपॉन द नंबर ऑफ जनरेशन सो टोटल टाइम लॉगरिथमिक डिवीजन कितने घंटे के लिए हो रहा है पांच घंटे के लिए हो रहा है और आपने एन यहां से निकाला फोर्टीन सो फाइव बाई फोर्टीन इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो पॉइंट थ्री फाइव सेवन सो यहां पे मैं पॉइंट बताना चाहती हूं कि जो जनरेशन टाइम है हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था पहले तो वो देखते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था हमें निकालना है व्हाट इज जनरेशन टाइम हमें जनरेशन टाइम निकालने बोला गया था तो हमने सबसे पहले क्या निकाला हमने एन निकाला एन क्यों निकाला व्हाट इज एन एन इज नंबर ऑफ जनरेशन बिकॉज हमको पता है कि जनरेशन टाइम का फॉर्मूला ही है टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ जनरेशन तो इसीलिए हमको क्या टी अपॉन एन होता है जी ये फॉर्मूला था तो हमको अल्टीमेटली एन तो चाहिए था क्योंकि हमको जनरेशन टाइम निकालना है इसीलिए हमने सबसे पहले क्या निकाला नंबर ऑफ जनरेशन निकाला वंस ई नंबर ऑफ जनरेशन इज विथ यू यू कैन कैलकुलेट दी जी तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया नंबर ऑफ जनरेशन नंबर ऑफ जनरेशन हमने इस फार्मूला से कैलकुलेट किया मैंने ऑलरेडी बताया एंड जैसे ही वो आ गया हमने क्या किया जी इज इक्वल्स टू टी अपन एन टी एन हमें जी निकालना था तो जी का फॉर्मूला क्या होता है टी अपॉन एन एंड टी क्या था हमारा टी फाइव क्वेश्चन में दिया था फाइव आवर्स एंड हमारा यहाँ पे एन कितना दिया है एन हमारा फोर्टीन निकला है फोर्टीन जनरेशन सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ रहा था इतना जीरो पॉइंट थ्री फाइव सेवन जनरेशन पर आर आ रहे हैं आंसर तो इसलिए हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री फाइव सेवन जनरेशन पर आर इट मीन कि डी इसका आंसर हो जाएगा सो लेट सॉल्व वन मोर क्वेश्चन विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट यहां पे बहुत सारे सेपरेशन टेक्निक्स मैंशन किए गए हैं राइट साइड कॉलम में एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड सेपरेशन इज गिवन इन द लेफ्ट हैंड साइड कॉलम सो यू हैव टू मैच इट सो बेसिकली द डेंसिटी डिफरेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन टेक्निक सो बेसिकली हमको पता है डेंसिटी वाइज जब हमें सेपरेट करना होता है तो वी गो फॉर द सेंट्रीफ्यूगेशन सो ए का फोर है तो आप टाइम सेव करने के लिए ऑप्शन एलिमिनेशन वाला मेथड अप्लाई कर दीजिए सो so ए का फोर किसमें किसमें है ए का फोर इज इन ओनली इन सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन यानी कि हमारा ये जो ए ऑप्शन है वो कट गया एंड बी ऑप्शन भी कट गया नाउ फाइंड आउट वन मोर ऑप्शन अब इसमें से आपको कौन सा पता होगा अगर आपको पार्टीशन कोफिशेंट नहीं पता है रिलेटिव वॉलिडिलिटी नहीं पता है तो आपको पार्टिकल साइज़ पता होगा पार्टिकल साइज जो रहता है जनरली हम अगर छोटे पार्टिकल्स हैं हमारे लिक्विड में सॉलिड लिक्विड का सेपरेशन तो वो हम कैसे करते हैं वो हम फिल्ट्रेशन के थ्रू अचीव करते हैं तो फिल्ट्रेशन या फिर अगर सॉलिड में ही आ, कुछ पार्टिकल्स स्मॉलर हैं साइज़ में कुछ बिगर हैं तो भी हम क्या करते हैं फिल्ट्रेशन का, का काम हम कर सकते हैं तो पार्टिकल साइज वाला जो प्रिंसिपल है वो इट इज अप्लाइड इन द फिल्ट्रेशन यानी कि डी का सेकेंड तो डी का सेकेंड किस ऑप्शन में है इट इज इन ऑप्शन नंबर डी यानी कि सी भी कट गया और हमारा आंसर क्या निकल के आया डी अब इसमें से देखते हैं पार्टीशन कोफिशियंट सो दार्टिशन कोफिशियंट इज अप्लाइड इन दिक्विड लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन तो बी का क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा एंड रिलेटिव वोलाटाइलिटी इज इन डिस्टिलेशन यानी वोलाटाइल कौन सा जो कंपाउंड है वो वॉलोटाइल होता है वेपर फेज में कन्वर्ट हो सकता है ये वाला जो प्रिंसिपल है इट इज अप्लाइड इन द डिस्टिलेशन सो दिस इज हाउ अ क्वेश्चन कैन बी सॉल्व एंड दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच अ मैच द कॉलम क्वेश्चन सबसे पहले एक करेक्ट आंसर कीजिए उसके बाद फिर उसके थ्रू ऑप्शन एलिमिनेशन से करेक्ट ऑप्शन की तरफ पहुंचिए और सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे एंड मैच कॉलम से आप इजीली थ्री मार्क्स ले सकते हैं सो नाउ वन मोर क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम मोनोड इक्वेशन मोनोड इक्वेशन को भी हम डिटेल में देखेंगे लेकिन आपको जो जानने की ज़रूरत है वो सिर्फ यही जानना है कि इसका फॉर्मूला क्या है और ये कैसे अप्लाई होता है सो ये क्वेश्चन नंबर सिक्स होगा आई गेस सो एन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मोनोड ग्रोथ विद द फॉलोइंग ग्रोथ पैरामीटर्स दैट इज म्यू एम दैट इज़ मैक्सिमम ग्रोथ रेट इज जीरो पॉइंट सिक्स पर आर एंड द केस इज़ फोर ग्राम पर लीटर

एस, आई ऑलरेडी मैंशन इन माई प्रीवियस वीडियो दैट दिस इज दी मैथमेटिकल एनालॉगिस टू दी माइकलीज मेंटेन कॉन्सटेंट ऑफ द एंजाइम कैनेटिक्स यू कैन कंपेयर द फॉर्मूला, सो म्यू इज दी वॉट इज द म्यू हीयर म्यू इज द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट जो आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको स्पेसिफिक ग्रोथ रेट निकालना है एंड न्यू मैक्स इज द मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ द कल्चर एंड एस इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस के एस इज द हाफ सेचुरेशन कॉन्स्टेंट विच इज ऑल्सो दी एफिनिटी कॉन्स्टेंट सो आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दिया है वो देखते हैं सो so, आपको म्यू निकालना है तो आपको मैक्स कितना दिया है आपको मैक्स दिया है जीरो पॉइंट सिक्स सो यहाँ पे जीरो पॉइंट सिक्स पुट करते हैं इन टू एस कितना दिया है सबस्टेड कॉन्सेंट्रेशन इज टू ग्राम पर लीटर सो यू विल पुट टू हिस्र एंड अपॉन केएस कितना दिया है के एस इज दी हाफ सेचुरेशन कॉन्स्टेंट दैट इज फोर ग्राम पर लीटर सो फोर विल बी हेयर प्लस सबस्ट कॉन्सेंट्रेशन टू सो इट विल बी अराउंड वन पॉइंट टू अपॉन सिक्स एंड आपका आंसर क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट टू विल बी दी आंसर सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए सो so, आपको देख के ही लगा होगा कि कितना सिंपल सा था फॉर्मूला था आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी और आंसर निकालना था सो हाउ इजिली यू कैन ऑन दी थ्री मार्क्स इन डी बी टी जे एग्जामिनेशन सो आई विल सजेस्ट कि हर बार न्यूमेरिकल स्टफ नहीं होते हैं ओनली इसकी अगर आपको पढ़ के पता चल रहा है कि आपने समवेयर इसे पढ़ा है सो so आप उस पर एक से दो मिनट अपना टाइम दे सकते हैं और अगर उससे ज़्यादा लग रहा है तो यू कैन स्किप इट बिकॉज इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई विल से कि जब भी न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वो हम बहुत अच्छे से पता कर पाते हैं कि हमें वो आता है कि नहीं आता है सो so, अगर आपको आता है जैसे आपने ये मोनोड ग्रोथ से रिलेटेड है तो आपको मोनोड ग्रोथ का ये वाला इक्वेशन पता है कि कैसे निकालते हैं स्पेसिफिक ग्रोथ रेट तो इस इक्वेशन को एक बार वहाँ पर रखिए क्या क्या वैल्यूज दी है आप यू शुड ट्राई एटलीस्ट वंस और अगर एक बार भी ट्राई करने के बाद नहीं आ रहा है फिर उसे स्किप कीजिए बिकॉज इसका जो आंसर आता है जैसे इसका आंसर जीरो पॉइंट टू था एकदम सिंपल कैलकुलेशन था तो आप इजिली इसका आंसर निकाल पाए और तीन नंबर आप इजीली यहाँ से ग्रैप कर सकते हैं सो आई विल रिकमेंड कि एक बार एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो बायो रिएक्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लंबे लंबे कैल्कुलेश्स वाले वो सब अटैम्प्ट कीजिए लेकिन एटलीस्ट जो डायरेक्ट फॉमुला वाले क्वेश्चन है जैसे जितने भी मैंने आज क्वेश्चन बताए जो जनरेशन टाइम पे थे यू कैन ईजिली सॉल्व इट अगर आपको फार्मूला पता है तो सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो एंड अगर अच्छा लगाओ तो हट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग